पीएम मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से आगाज किया। कहा गांधी परिवार ने हमेशा ओबीसी दलितों का अपमान किया, जब तक मोदी है आरक्षण की व्यवस्था में रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर वार। जिस तरह से हर दिन कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे, इससे पता चलता है कि राज्य से बीजेपी जा रही है। हरियाणा चुनाव से पहले उचाना में आज होगी किसान महापंचायत। किसान बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किल। किसान नेता अभिमन्यु कोहार ने महापंचायत से पहले ट्वीट पर शिकायत की और कहा कि प्रशासन आयोजनकर्ताओं को परेशान कर रहा है। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल का मिशन हरियाणा पर फोकस। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक आज। झारखंड में चुनावों से पहले पीएम देंगे मेगा तोहफा। 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित सभा में होंगे शामिल। इस दौरान उनका रोड शो भी होगा। आज यूपी के बहराइच दौरे पर सीएम योगी वन विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आरजेडी आज पटना में राजभवन तक निकालेगी मार्च। राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में ये मार्च निकाला जाएगा। राजस्थान दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज अलवर के इंदिरा गांधी खेल मैदान की कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने सेबी अध्यक्ष पर लगाए नए आरोप। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे 3 सवाल। क्या पीएम को जानकारी थी कि सेबी अध्यक्ष लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी? कांग्रेस ने पीएम से पूछा क्या पीएम को जानकारी थी कि सेबी अध्यक्ष ने विदेश में बड़ा निवेश किया है? आरजीकर कांड के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध जारी है। सीएम ममता ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से मुलाकात की। कहा मुख्यमंत्री नहीं दीदी आई हैं। सीएम के साथ मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े थे डॉक्टर्स। मुलाकात के बाद सीएम के साथ बैठक के लिए शाम 6 बजे का समय दिया गया। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया। संदीप घोष को ईडी ने पहले ही आरजीकर में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई ने उसे रेप केस में गिरफ्तार किया। यूपी मेरठ में 3 मंजिला मकान ढहा। 3 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी की है। सीएम योगी ने बिल्डिंग गिरने से हुए हादसे का संज्ञान लिया। राजस्थान के शाहपुरा में जुलूस पर पथराव। घटना के बाद बाजार बंद, पुलिस फोर्स तैनात। हिंदू समाज के करीब 50 से 60 लोग जल झूलनी एकादशी के अवसर पर जुलूस निकाल रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके जुलूस पर पथराव करना शुरू कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर बीजेपी को घेरा। कहा अयोध्या में बीजेपी ने किया बड़ा जमीन घोटाला। यूपी के लखीमपुर में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी ने एसडीएम के सामने लूटे नामांकन पर्चे, देखती रही पुलिस। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी। मुहासी गांव में भेड़िए ने 2 महिलाओं को बनाया निशाना। वन विभाग के जरिए लोगों से रात के समय घर के अंदर रहने और खिड़की दरवाजे बंद रखने की अपील की गई है। आतंकी साजिश के मामले में पंजाब के कई जिलों में एनआईए की रेड। मोगा, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर में छापे मारे जा रहे। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहाड़ियों से गिरा मलबा। ओडिशा समेत 11 राज्यों में आज भारी बारिश को लेकर रेड ऑरेंज अलर्ट। 15 सितंबर तक देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। दिल्ली से लेकर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश का दौर जारी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना। हिमालय के संरक्षण को लेकर पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की दिल्ली चलो पदयात्रा शनिवार को तुपचिलिंग पहुंची। सोनम वांगचुक ने दिल्ली चलो पदयात्रा को लेकर कहा हिमालय के संरक्षण का संदेश सभी तक पहुंचना है। ये
स्थानीय स्तर पर हिमालय में जो लद्दाख है जिसके पर्यावरण की संरक्षण के प्रावधान भारतीय संविधान में 6वें शेड्यूल में सरकार ने हमें आश्वासन दिया था 5 साल पहले कि वो करेंगे, तो उस वचन को हम याद दिलाने जा रहे हैं। यहाँ पर सारे ग्लेशियर्स हैं जिनके पानी से न सिर्फ हम बल्कि उत्तर भारत जीवित है। तो ये अगर बिगड़ गए, संतुलन इनका बिगड़ गया और ये ग्लेशियर्स पिघल के चले गए तो सबको पानी की समस्या होगी। तो रह जाता था। पीएम मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुरुक्षेत्र से आगाज किया। कहा, गांधी परिवार ने हमेशा ओबीसी दलितों का अपमान किया, जब तक मोदी है आरक्षण की व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी परिवार, जिस तरह से हर दिन कई बीजेपी नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, इससे पता चलता है राज्य से बीजेपी जा रही है। हरियाणा चुनाव से पहले उचाना में आज होगी किसान महापंचायत, किसान बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। किसान नेता अभिमन्यु कुहार ने महापंचायत से पहले ट्विटर पर शिकायत की। कहा, प्रशासन आयोजनकर्ताओं को परेशान कर रहा। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल का मिशन हरियाणा पर फोकस, हरियाणा विधानसभा को लेकर दिल्ली में बैठक। झारखंड में चुनावों से पहले पीएम देंगे मेगा तोहफा, 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में प्रदेश बीजेपी की ओर से आयोजित सभा में होंगे शामिल। आज यूपी के बहराइच दौरे पर सीएम योगी वन विभाग के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। आरजेडी आज पटना में राजभवन तक निकालेगी मार्च, राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में मार्च निकाला जाएगा। राजस्थान दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत आज अलवर के इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयंसेवकों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने सेबी अध्यक्ष पर लगाए नए आरोप। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछे 3 सवाल। कांग्रेस ने पीएम से पूछा, क्या पीएम को जानकारी थी सेबी अध्यक्ष ने विदेश में बड़ा निवेश किया है। कांग्रेस ने कहा, सेबी अध्यक्ष माधवी पुच ने सेबी कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट सेक्शन 6 की अवहेलना की। आरजीकर कांड के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध जारी है। सीएम ममता ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की। सीएम के साथ मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े थे डॉक्टर्स। मुलाकात के बाद सीएम के साथ बैठक के शाम 6 बजे का समय दिया गया। मीटिंग के लिए डॉक्टर्स पहुंचे लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर गतिरोध जारी रहा। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, टाला थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया गया। संदीप घोष को ईडी ने पहले ही आरजीकर में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। अब सीबीआई ने उसे रेप केस में गिरफ्तार किया। कोलकाता के एनएस बनर्जी रोड पर जोरदार धमाका, हादसे में 2 लोग घायल। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने दिए एनआईए जांच की आदेश। तो कोलकाता के एनएस बनर्जी रोड पर जोरदार धमाका हुआ, इसे लेकर फिलहाल एरिया को सील कर दिया गया है और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने इस मामले में एनआईए जांच की मांग की है।